दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गौतम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, सब कुछ आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपने घर में सेफ होंगे। तो आप सभी को घर में ही रहना है, जो भी आपका वर्क होगा आप घर से करें, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा समय है, आप घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बाहर भी होंगे तो वहाँ भी कोई भी आपका इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है, आपको वहाँ भी घर में ही रहना है, ठीक है। तो आप अपने घर में रह के अच्छे से प्रिपरेशन करें, जो भी आपका कार्य हो आप घर में रह के करें, कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके जो सुरक्षा है आपके खुद के हाथ में है। आप जितने ज़्यादा सेफ्ट रहेंगे, ठीक है, घर में रहेंगे तो आपके इस जो महामारी से, जो आपका कोरोना जो वायरस है आपका, इससे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की जो खुशखबरी क्या है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीजेपी की सरकार आ चुकी है, शिवराज सिंह फिर से आपके मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान। तो अब आपके अगर हम बात करें तो अब ये जो ज़्यादा ये जो ध्यान देंगे आपके किस पर देंगे, युवा वर्ग पर देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आपके लाएंगे, जिस भी पद पे आपके वैकेंसी नहीं आई काफ़ी समय से, उसको ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि युवाओं का साथ ये दे सकें, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने आज ही के न्यूज़पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आपके पटवारी की वैकेंसी आने वाली है 5000 पदों पर। कुछ पद आपके पहले वाली जो वैकेंसी थी 17 में जो आई थी उस वैकेंसी के भी पद खाली हैं, और आपके अलग से और भी पद आएंगे, तो टोटल 5000 वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है। साथ ही साथ पुलिस की वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर, ये सभी वैकेंसी आपके जल्द से जल्द आपके लिए आने वाली हैं। तो ये जो आपके 21 दिन जो आपका लॉकडाउन किया गया है 14 अप्रैल तक, अच्छा समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रह के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी जो आपको हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, सबसे पहले हम दे देते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि जो राजस्व विभाग है आपका, जो वो आपका ग्वालियर में है, तो यहाँ से आपके जो न्यूज़ निकल के सामने आई है आपके 5000 पदों पर हो सकती है पटवारी भर्ती। देखिए आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा प्रदेश में पटवारी के 5000 पदों पर नई भर्ती की जा सकती है। 1000 पद पहले से जो मंजूर थे, शेष 4000 पदों के लिए शासन से स्वीकृत मांगी गई है, ठीक है। शासन स्तर पर अनुमति मिलते ही 5000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर पद मंजूर होने में वक्त लगा तो आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त पहले 1000 पदों पर भर्ती कर सकते हैं। तो विभाग में अभी पिछली भर्ती के परीक्षारत उम्मीदवारों को लेकर विवाद है। 12 काउंसलिंग के बाद भी वेटिंग लिस्ट वाले आवेदक काउंसलिंग के चरण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जबकि आपके जो ऑप्शन है नई भर्ती करना चाहते हैं। तो गौरतलब है कि पटवारी परीक्षा के 3 काउंसलिंग होने पर 9200 जो आपका 50 पदों में से 1400 पदों पर मेरिट होल्डर ने ज्वाइन नहीं किया था, इस कारण वेटिंग वाले आवेदकों को मौका दिया गया और काउंसलिंग के लिए शासन स्तर पर स्वीकृत ली गई थी। लेकिन आवेदकों का आरोप है कि वेटिंग में सबसे ऊपर रहने वालों को ही अवसर दिया गया है, जबकि अफसरों का कहना है कि 4400 नंबर की वेटिंग लिस्ट में से 3400 वेटिंग वालों को मौका दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ पद आपके पहले से हैं और 4000 पदों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। टोटल अगर हम बात करें तो 5000 आपकी वैकेंसी आने वाली है पटवारी की। और इसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो आपका सरकार है आपकी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपके मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का पता नहीं है, आपके SI की वैकेंसी का पता नहीं, तो एक तरह से हम देखें तो कोई भी अभी वैकेंसी आपके सामने नहीं थी। पर आपके जैसे ही ये आपका 21 दिन समाप्त होता है और कोरोना वायरस का जो ये महामारी फैली है, जैसे ये कम होगा उसके बाद सिर्फ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी ही आने वाली है। और आप सभी के लिए अच्छा समय है, आप घर में रह के इसकी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा समय आपको फिर नहीं मिलने वाला है। तो आप घर में रह के सेफ रहें, आप खुद अपनी सुरक्षा करें, ठीक है। हर तरह की आप सफाई को, आप सभी को साफ सफाई पे भी ध्यान देना है, जिससे कि इस वायरस से बच सके। किसी के पास भी ज़्यादा आपको बैठना नहीं है, बातें नहीं करना है, दूर से जो भी हो जैसा भी हो, ठीक है। आप सभी खुद भी इसके बारे में जानकारी ले चुके होंगे। तो ये जो आज की इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आपके पटवारी वैकेंसी को लेके, तो हमने आपको दे दी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये अभी पटवारी की है, उसी तरह से आपका पुलिस का, सब इंस्पेक्टर का, सभी वैकेंसी आपके आने वाली है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया पटवारी के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो जो हमारे बताने का जो उद्देश्य था आपके पटवारी भर्ती को था, ठीक है, तो आपको इससे जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जैसे ही न्यू वैकेंसी आपके पुलिस, सब इंस्पेक्टर, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि
नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सभी वीडियो का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी मिल जाए और आप अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।